जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूं दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर आता होगा कि भैया हम लोग सप्लीमेंट कब से यूज़ करें, हम 14 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, 16 साल के हो, हम लोग वे प्रोटीन कब से यूज़ करें, क्रिएटिन कब से यूज़ करें, गेनर कब से यूज़ करें। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो ये वीडियो पूरा देखें, अभी आपको सारी की सारी जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं आप लोगों से बात करूँ सप्लीमेंट की, तो आप सभी लोगों को पता है सप्लीमेंट क्या है। सप्लीमेंट यानी सपोर्ट मटेरियल, इतना आप जान लीजिए, इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट आपके लिए केवल सपोर्ट का काम करेगा, वो आपकी डाइट नहीं है, कि वो आपकी फुल डाइट है। डाइट के लिए आपको तब भी खाना खाना पड़ेगा। आप 14 साल के हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 21 साल के, कितने भी साल के हैं, खाना आपको तब भी खाना पड़ेगा। चाहे आपका कोई भी फिटनेस से रिलेटेड गोल हो, चाहे फिट रहना हो, मसल गेन करना हो, फैट लॉस करना हो, कुछ भी करना हो, आपके लिए यहाँ पर मैंडेटरी है आपकी डाइट। बीमार होते हैं, डॉक्टर कहता है कि भाई खाना ढंग से खाओ तभी आप ठीक होगे, ये नहीं कहता दवाई खाओ केवल। अगर दवाई खा करके ही केवल ठीक हो जाते तो भैया यहाँ पर खाना तो हटा ही दिया जाता जब आप बीमार होते। अगर आपको एग्जांपल के लिए एक चीज़ और देता हूँ, अगर आपको बॉडी बनानी है, आप देखें बड़े बड़े लेवल के एथलीट, अगर आपका कोई जानने वाला बंदा हो या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई भी हो, उससे आप पूछें कि भैया यहाँ पर सप्लीमेंट का कितना ज़्यादा रोल होता है, तो कहिएगा भैया सप्लीमेंट का तो 5-10% रोल होता है, 90% रोल होता है आपकी डाइट का। कैसे? क्योंकि भैया डाइट ही है जो आपकी बॉडी में एनर्जी देगी, पावर देगी, लंबे समय तक आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखेगी, रिकवर करेगी, हेल्दी रखेगी, फिट रखेगी। तो डाइट के सिवा कुछ नहीं, सप्लीमेंट सपोर्ट मटेरियल। अब यहाँ बात करते हैं कि भैया यहाँ पर सप्लीमेंट लेने की सही एज क्या है, एक एक करके बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें वे प्रोटीन की, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि भैया वे प्रोटीन ले रहे हैं, भाई मैं 14 साल को क्या मैं वे प्रोटीन ले सकता हूँ, मैं 12 साल का हूँ क्या मैं वे प्रोटीन ले सकता हूँ, मैं 14 साल का, 20 साल का हूँ वे प्रोटीन ले सकता हूँ, 18 साल से पहले वे प्रोटीन ले सकते हैं, मैं 16-17 साल का हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ दोस्तों, आप ये जानते हैं कि आप बचपन से वे प्रोटीन पीते आ रहे हैं, अब पूछिए कैसे। मैं आपको बताता हूँ, आप जब पैदा हुए थे आप अपनी माता जी की गोद में थे, मैं भी माता जी की गोद में था, जाहिर सी बात है हर एक माता जी की गोद से ही होकर के आते हैं। तो आप बचपन से वे प्रोटीन पी रहे हैं, जो माताजी आपको ब्रेस्ट, जो आपको माताजी ब्रेस्ट मिल्क जो आपको फीड करती हैं, जो आपको अपने स्तन से दूध पिलाती हैं, उसमें भी वे प्रोटीन होता है। सेम वही फंक्शन होता है जो आपके अभी के वे प्रोटीन में होता है, पर हाँ उसके अंदर थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होते हैं, कुछ कंपाउंड डिफरेंट होते हैं इस वे प्रोटीन की तुलना में जो हम वे प्रोटीन पाउडर वाला ले रहे हैं। पर ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वे प्रोटीन हम बचपन से पी रहे हैं, जब से हम पैदा हुए, जब से हम बड़े हो रहे हैं, बचपन से लेकर बड़े होने तक हम वे प्रोटीन पी रहे हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, वे प्रोटीन हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। पूछ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप किसी से भी, आप रिसर्च पढ़ें, अच्छे तरीके से जानकारी लें, नॉलेज ही सब कुछ है। नॉलेज है तब आपको ये सारी चीज़ें पता चले, मेरे पास नॉलेज है तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। मैंने भी चीज़ पढ़ी, रिसर्च की, तभी मैंने कहा कि आपके पास तक सही जानकारी पहुँचाई जाए। तो अपने दिमाग से निकाल लें, वे प्रोटीन कोई नई चीज़ है। अब बात करते हैं भैया क्या आप कंज्यूम कर सकते हैं, जो आप बचपन से पीते हैं तो अभी क्यों नहीं कंज्यूम कर सकते, क्या गलतफहमी है भैया दिमाग के अंदर। अब गलतफहमी यही है भाई, डुप्लीकेट ना आ जाए, नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सिगरेट पीने से पहले सोचते हैं, दारू पीने से पहले सोचते हैं, फास्ट फूड खाने से, नूडल खाने से पहले सोचते हैं कि भैया ये जो नूडल खा रहे हैं हमारे शरीर में जाके क्या करेगा, सोचते हैं। मोमोज खाने से पहले सोचते हैं, भैया वे प्रोटीन लेने से पहले इतना सोचना क्यों, जबकि उन पर इतना रिसर्च होकर के सारे सप्लीमेंट ऐसे हैं। आप तो कम से कम हमारा भारत एक अच्छे दिशा की ओर जा रहा है, अच्छी दिशा में बढ़ रहा है। माना भाई फेक सप्लीमेंट आते हैं, पर उस चीज़ का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना कि भाई ओरिजिनल सप्लीमेंट ले। तो कुल मिलाकर के आप 12 साल के हो, 11 साल के हो, 13 साल के हो, 15 साल के हो, किसी भी एज के हो, तो आप वे प्रोटीन आँख बंद करके ले सकते हैं। ये एक बहुत ही एसेंशियल डाइटरी सप्लीमेंट है जिसकी कोई एज लिमिट नहीं है, आप बचपन से लेकर के बूढ़े होने तक वे प्रोटीन ले सकते हैं। ये रिसर्च ने प्रूफ करा है भाई, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई कही सुनी बात है, रिसर्च ने प्रूफ करा है, साइंटिस्ट ने अपने जीवन लगा दिए उस पर रिसर्च करके बता रहे हैं। और जब आपको ये पता चल गया, जब आप बचपन से कंज्यूम कर रहे हैं तो भैया अभी क्यों नहीं, 20 साल, 22 साल, 25 साल, जितने साल के भी आप हो गए तब क्यों नहीं, कोई सोचने वाली बात नहीं। तो आप बेझिझक होकर के वे प्रोटीन ले सकते हैं, अगर आप 12 साल के हैं, 13 साल के, कोई भी एज है, 10 से लेकर के 18 साल के बीच में, अगर आपको लग रहा है मैं अंडर एज हूँ वे प्रोटीन लेने के लिए, दिमाग से निकाल दीजिए, आप ले सकते हैं। हाँ, वे प्रोटीन पर डिपेंड नहीं होना, उसके सिवा भी आपको खाना खाना पड़ेगा अगर आपको अपना गोल अचीव करना है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों हमारा गेनर। तो गेनर भी क्या है, गेनर को आप समझें, गेनर के अंदर बहुत सारी कैलोरीज होती है। गेनर एक कैलोरी डेंस फूड है जो कि आपको लिक्विड फॉर्म में उतनी कैलोरीज देता है जो कि आप एक बड़ी मील में खा करके कंज्यूम करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे आप पराठा खाते हैं, उसमें आपको 450-500 कैलोरी मिलती है एक पराठा खाने में, नॉर्मल प्लेन पराठा के लिए चलो आप 350-400 कैलोरी मिलती है, एवरेज मान के चलिए। वही कैलोरी आपको 250 से 300 ml पानी के अंदर आपको देखने को मिल जा रही है। तो हुआ ना आसान, ना चबाना,
ना टाइम लगा करके बैठना बनाने का टाइम, ना कुछ ऐसे लग रहा है रोटी गूंद रहे हैं कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बैचलर होते हैं, इनको टाइम लगता है भैया ऐसे हो वैसे हो, बहुत टाइम लगता है। मम्मा को बार बार नहीं बोल सकते, पेरेंट्स से सपोर्ट लेते हो भाई बार बार खाना बना दो ऐसे कर दो, तो वो भी एक चीज़ आती है। गेनर आपने पड़ा डाला पानी के अंदर, शेक करा, पी लिया, 350-400 कैलोरी मिल गई बहुत आराम से। तो ये है गेनर। अब क्या आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, गेनर को भी आप बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हैं, पर बशर्त ये है कि भाई यहाँ पर इसमें भी रिसर्च यही है कि भाई गेनर एक तरीके से आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा बढ़ाता है। तो जिनको अपनी बॉडी में लीन मसल बिल्ड करना है, चाहते हैं भाई अपनी बॉडी में केवल मसल्स गेन करें फैट ना है, तो भैया वो लोग गेनर से दूर रहें। और अगर आप चाहते हैं बॉडी में साइज बढ़ाना, तो आप बेझिझक होकर के ले सकते हैं। ओवरऑल साइज बढ़ जाए, मोटे हो जाए, हेल्दी हो जाए, चबी दिखे, थोड़ा भरे भरा शरीर दिखे, गाल वाल मोटे दिखे, निकल करके दिखे, तो वहाँ पे आप गेनर आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात एज की, तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई आप कम एज में गेनर लेंगे तभी करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे दिक्कत हो जाएगी कम एज में गेनर लेने से। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, गेनर लेते समय एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि भैया गेनर लेते टाइम आपको वर्कआउट हार्ड करना पड़ेगा, इंटेंसिटी चाहिए वर्कआउट में, चाहे आप रनिंग करें जॉगिंग करें, क्योंकि देखिए बॉडी मांगती है फिर वर्क। क्योंकि वे प्रोटीन, मैंने आपको बताया भाई, ऐसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसको आप लोग एक्सरसाइज के बिना भी लेंगे तो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेगी, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगर आप गेनर ले रहे हैं, इतनी सारी कैलोरीज ले रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए कि भाई वो प्रॉपर मसल्स के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में यूज हो। क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करी, बैठे बैठे केवल उसको पिया, तो आपका पेट निकलेगा, हिप्स बड़े होंगे, बेली फैट साइड्स निकलेंगे, और आपकी बॉडी जो है अच्छे से भद्दी हो जाएगी। आप ध्यान रखें, आप बोलेंगे भाई मैं तो पतला ही सही था, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। और आप लोग 18 साल से पहले भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। आखिरी सप्लीमेंट आता है दोस्तों, क्रिएटिन। अब यहाँ पर इसमें डाउट होता है भाई हम 18 साल से पहले क्रिएटिन ले सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों 18 साल से पहले भी क्रिएटिन लिया जाता है, पर ये उनको दिया जाता है कि भाई जो बहुत ज़्यादा वीक है, जिनकी मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती, जिनकी बॉडी के अंदर 1.5-2 kg लिफ्ट करने की कैपेसिटी भी नहीं होती, वो लोग क्रिएटिन 14-15 साल में कंज्यूम करते हैं, उनको रिकमेंड करा जाता है। ये नहीं करा जाता कि भाई मैंडेटरी है, रिकमेंड करा जाता है किसी स्पेशल मेडिकेशन के तौर पर, जैसे कि भाई जैसे मैंने अभी आपको बताया मसल्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बॉडी में ज़रा भी पावर नहीं है, मसल इंड्योरेंस स्ट्रेंथ पावर कुछ भी नहीं है, उन लोगों को रिकमेंड करा जाता है। अदरवाइज आपकी जो क्रिएटिन लेने की भी जो एज है बताई जाती है भाई 18 साल से ऊपर की है, ये रिसर्च ने बताया, रिसर्च प्रॉपर है, तो उन्होंने बताया कि भाई 18 साल से ऊपर है कि आप टेंशन फ्री होकर के ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 18 साल से पहले लेंगे आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, पर आपकी बॉडी जब उस टाइम खुद ग्रो कर रही होती है, खुद मसल्स बढ़ा रही होते हैं, मसल साइज़ बढ़ रहा होता है, आप अच्छे तरीके से खाएंगे, आप कोई भी आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे फुटबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रनिंग वगैरह कर रहे हैं, उसमें भी आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो हो रही होती है। तो इसको, इसमें आप टेंशन ना लेकर के, क्रिएटिन वगैरह ना लेकर के, आप बेझिझक होकर घर का खाना खा करके वे प्रोटीन ऐड करके अपनी डाइट में केवल अपनी बॉडी में साइज पुट ऑन कर सकते हैं। क्रिएटिन आ गया आपकी डेडिकेटेड गोल को अचीव करने के लिए। एग्जांपल के लिए अगर आपको मसल बिल्डिंग करना है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना है, आप पावर लिफ्टिंग खेल रहे हैं, आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, तो वहाँ पर आपके लिए क्रिएटिन बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर क्रिएटिन केवल आप जब 18 साल के होंगे तभी ले सकते हैं, इसको भी आप 18 साल से पहले ले सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैंने इस वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी दे दी कि भैया आप क्रिएटिन कब ले सकते हैं, वे प्रोटीन कब ले सकते हैं, गेनर कब ले सकते हैं, आपको सारी की सारी जानकारी सप्लीमेंट के रिगार्डिंग दे दी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपने कितनी नॉलेज ली। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भैया जिन लोगों के दिमाग में है कि भैया हम लोग सप्लीमेंट कब लें, उन सभी लोगों के क्वेश्चन का आंसर मैंने इस वीडियो में दे दिया है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा। मैं बैठा हूँ दोस्तों, अपनी तरफ से जितना एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा, ताकि आपके साथ कोई गलती ना हो, अनहोनी ना हो। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।